बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं दम का कीमा। ये बहुत ही लजीज बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। इसके लिए हमने लिया है 700 ग्राम कीमा। कीमा मटन का कीमा है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। इसे मोटा कुटवाया है, बारीक नहीं चाहिए हमें कीमा। 3 मीडियम साइज की प्याज है बड़ी, इसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसका चूरा करके इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चे लाल, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, गरम मसाला है 1 चम्मच, 7 हरी मिर्ची है जिसमें से हमने आधी स्लाइस कर ली है और आधी बारीक बारीक कट कर लिया है, 1 नींबू का रस जाएगा, अदरक है बारीक कटी हुई, लंबे लंबे स्लाइस कटे हुए इसमें, 1 बड़ा टमाटर है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच नमक है और ये 200 ग्राम दही है, दही इसमें ज़्यादा पड़ता है, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा है, 2 चम्मच ये भुने हुए चने हैं, 1 चम्मच खसखस है, 5 से 7 लौंग है, ये दालचीनी के टुकड़े हैं, तो 8 से 10 काली मिर्च है और 4 ये इलायची है और ये कोयले हैं, इसका हम इसमें धुआं देंगे। इन साबुत मसालों का हम पाउडर बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम नमक डालेंगे, प्याज को हमने चूरा कर लिया, डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, कुटी हुई मिर्च, धनिया, सब चीज़ एक साथ हम इसमें मिला देंगे। ये नमक भी इसमें डालेंगे, नमक आप अपने हमेशा अपने जायके के हिसाब से डालें। हमने मटन का कीमा लिया है, बीफ का कीमा आप लेंगे तो इसमें आपको पपीते का पेस्ट लगाना पड़ेगा, 2 घंटे कम से कम इसको रखना होगा तभी वो कीमा अच्छा बनेगा। दही भी डाल देंगे इसमें, सारे मसाले हम एक साथ डाल के इसमें और अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। अभी हमने पानी नहीं डाला इसमें क्योंकि कीमा भी पानी छोड़ेगा। हरी मिर्च और गरम मसाला और नींबू ये हम बाद में शामिल करेंगे। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, फिर से इसे चेक करते हैं एक बार। अब अच्छा भुनाई भी आ चुका है, ये 10 मिनट बाद इसे हमने अभी खोला है एक बार, बीच में हमने इसका ढकना हटाया था, इसमें हमने जो पाउडर मसाले बनाए थे चने और खसखस के वो इसमें हमने शामिल कर दिए थे, गरम मसाला और हरी मिर्च आदि हमने अभी शामिल किए और आदि हम अब बाद में इसमें शामिल करेंगे। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि मटन का कीमा है, इसे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। बीफ के कीमे में हमें पानी डाल के गलाने के लिए छोड़ना पड़ता है, पूरा वक्त देना पड़ता है गलने के लिए। खूब अच्छे से इसे भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चा पानी निकल जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और टेस्ट भी इसका लाजवाब होगा। ये हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे अभी। गरम मसाला इसमें डालेंगे, थोड़ी कटी हुई अदरक की स्लाइस, 1 नींबू का रस, 1 कप पानी का हमने इसमें शामिल किया है पाउडर और मीडियम फ्लेम पे इसको 30 मिनट हो गए पकते हुए, अच्छा से खुश करना है। आप चाहें तो ऐसी कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और हमारा
तीन छोड़ चुका है ये मसाला। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस सब चीज़ सारे मसाले एक साथ इसमें डाल के इसको पकने के लिए रख देना। अभी तैयार हो चुका है बिल्कुल हमारा कीमा। अब हमें एक फॉइल पेपर रखना है, उसमें हमें कोयले रखने हैं जलेबे, हमें ये घी डालना है और कोयले से ढक्कन लगा देना है, इसमें धुआं देना है हमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम चेक करते हैं, जब तक इसका धुआं इसके अंदर था तब तक इसको ढक के रखना है। अब धुआं इसका ख़त्म हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है इसमें। अभी फॉइल पेपर हम निकाल देंगे, अब इसे निकालते हैं हम डिश में। तैयार है ये हमारा दम का कीमा, बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब इसका जायका है। अब इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा।